देवभूमि प्रणाम। मैं अंजना ठाकुर हाजिर हूं ताजा समाचारों के साथ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पुलिस सुंदर रंग में चलानों की कर रही बरसात। बहुत जल्द ही होटल्स का चेक इन टाइम बदला जा सकता है। राशन डिपो में इस महीने सरसों का तेल उपलब्ध नहीं होगा। कांगड़ा संस्कृति से रूबरू होंगे देशी व विदेशी निवेशक। पोंटा में ऑटो और कार में जबरदस्त टक्कर। स्वान नदी में पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में लगातार हो रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस हरकत में आ गई है। सुंदरनगर में ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे पेट्रोलियम टीम ने वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। पुलिस टीम आने जाने वाले प्रत्येक वाहन चालक की सीट बेल्ट पहनी है या नहीं चेक कर रही है। बहुत जल्द हिमाचल में होटल्स का चेक इन टाइम बदला जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 12 बजे की चेक इन टाइम को 2 बजे रखने के बारे में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। राशन डिपो में इस महीने सरसों का तेल उपलब्ध नहीं होगा। खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा सरसों का टेंडर रद्द कर दिया गया है। इसका कारण 2-3 कंपनियों के रेट एक बराबर होना बताया जा रहा है। निगम द्वारा कंपनियों से दोबारा टेंडर आमंत्रित किए हैं। इस सब में कम से कम 10 दिन का समय लगेगा। कांगड़ा संस्कृति से रूबरू होंगे देशी व विदेशी निवेशक। त्रिगर्त में आयोजित एक दिवसीय इन्वेस्टर धर्मशाला में आए देशी विदेशी निवेशक कांगड़ा जिला की संस्कृति की झलक देख पाएंगे। त्रिगर्त उत्सव 1 नवंबर को शुरू होगा। पोंटा में ऑटो और कार में जबरदस्त टक्कर। पोंटा साहिब में तारूवाला पेट्रोल पंप के सामने एक जबरदस्त टक्कर हुई। दुर्घटना का कारण कार की तेज रफ्तार होना बताया जा रहा है। इस दुर्घटना में 6 लोग घायल हुए हैं जिनका उपचार सिविल अस्पताल पोंटा में चल रहा है। स्वान नदी में पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक। ऊना संतोषगढ़ स्वान नदी पर धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन पर पुलिस ने सिकंजा कस दिया है। रात करीब 12 बजे SP ऊना दिवाकर शर्मा के नेतृत्व में स्वान नदी में दबिश देकर 8 टिप्पर जब्त करने के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देवभूमि प्रणाम।